Hello student, welcome to the fifth lecture of carbon family. We are in a chapter of P block elements and this is the fifth lecture of group number 14, that is carbon family. Now in the previous lecture we have completed carbides, right? Lecture number 4 mein humne carbides pura detail mein pad liya tha. Carbides jo hote hain they are the compounds formed by carbon with either metal or a non-metal. Now carbides mein humne teen types complete kiye the students. आयनिक कार्बाइड्स पढ़ा था हमने, मॉलिक्यूलर या फिर कोवेलेंट कार्बाइड्स, तीसरा जो था वो इंटरस्टीशियल और मेटालिक कार्बाइड्स. मैंने आपको आयनिक कार्बाइड्स बहुत डिटेल में समझाया था, अगर आपने वीडियो लेक्चर अच्छे से देखेंगे तो आपको याद आया होगा. उसमें सबसे पहला जो था वो मिथेनाइड्स था जिसका हाइड्रोलिसिस करने से आपको मिथेन मिलता है, दूसरा जो था वो एसिटिलीड्स था जिसका हाइड्रोलिसिस करने से एसिटिलीन मिलता है, एंड थर्ड वन वॉज अलाइलीड्स जिसका हाइड्रोलिसिस करने से प्रोपाइन मिलता है. उसके बाद में कोवेलेंट कार्बाइड्स के बारे में डिस्कशन किया था. जनरली कोवेलेंट कार्बाइड्स कौन बनाता है, कार्बन विद नॉन मेटल और अ मेटल और एनी एलिमेंट विद सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इन केस ऑफ इंटरस्टीशियल और मेटालिक कार्बाइड दे आर फॉर्म बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड दे आर वेरी वेरी हार्ड कार्बाइड्स. इनके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टी के अंदर कोई ज्यादा चेंज नहीं आता है. दे आर वेरी हार्ड एंड दे आर ऑल्सो यूज टू मेक शार्पनिंग टूल्स और हाई स्पीड टूल्स. Now in this lecture we are going to start with compounds of silicon, students. In case of compounds of silicons we are going to discuss first one, that is silicon carbide, second one is SiCl4 and third one is silicones. और उसके बाद में sixth lecture में हम लोग silicates का एक special lecture अलग से बनाएंगे, because silicates बहुत बड़ा है, उसके अंदर एक एक चीज को मुझे बहुत अच्छे से तसल्ली से समझना है. तो आज के lecture में हम लोग एक बहुत ही छोटा topic से, जैसे एक एक तो हम लोग सिलिकॉन्स कंप्लीट करेंगे, वो थोड़ा सा बड़ा है. SiCl4 बहुत छोटा है, सिलिकॉन कार्बाइड कार्बोरंडम वो भी बहुत ही छोटा है. तो दो छोटे टॉपिक, एक छोटा सा और एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक, तीन टॉपिक्स आज के लेक्चर में कवर करेंगे, तो ज्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग तसली से सिलिकेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर. कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन, कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन. In case of compounds of silicon, we have the first one, that is silicon carbide. Silicon carbide is SiC, so very very hard, ठीक है ना, abrasive material है. Silicon carbide is also known as carborundum. ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में भी, ठीक है. इधर हम लोग इसका प्रिपरेशन भी पढ़ लेंगे, थोड़े प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. तो स्टूडेंट सबसे पहली बात इसका प्रिपरेशन की बात करें, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है. एक ही मेथड है, ध्यान से सुनो. अगर आप सिलिका मतलब SiO2 सिलिका को मिक्स करते हो कार्बन के साथ, सिलिका को मिक्स करते हो किसके साथ, कार्बन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl एंड सॉडस्ट, ठीक है, NaCl एंड सॉडस्ट, इट विल गिव यू. यहाँ पे तीन लगेंगे, क्यों, क्योंकि SiC बनेगा सिलिकॉन कार्बाइड, और यहां से दो जो कार्बन बचे वो कार्बन क्या बना देंगे, मोनोऑक्साइड बना देंगे. तो बच्चों ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन कार्बाइड. अभी यहाँ पे NaCl और सॉडस्ट का काम क्या है वो मैं आपको बताता हूं. सो सिलिकॉन कार्बाइड इज प्रिपेयर्ड और इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ SiO2 दैट इज सैंड, कार्बन दैट इज कोक, NaCl एंड सॉडस्ट इन इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर इसको हीट करने से ये आपको देगा क्या, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है ना. तो अभी यहाँ पे सबसे पहला ये तो चलो रिएजेंट है कि यहाँ इसको रिड्यूस कर रहे हैं, बट यहाँ पे NaCl और सॉडस्ट का काम क्या है. तो NaCl का जो यूज है बच्चों, इट इज एक्टिंग एज अ प्लस फ्लक्स, ठीक है, इट एक्ट एज अ फ्लक्स, ये एक फ्लक्स का काम करता है, और मैंने मेटलर्जी में फ्लक्स बताया है आपको बहुत डिटेल में, ठीक है. उसके बाद में अगर हम लोग बात करें सॉडस्ट की, तो बेटा इट मेक्स इट पोरस, इट मेक्स इट पोरस, इसको पोरस बनाने का काम करता है. यहाँ पे ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज प्रिपरेशन की बात हो गई. अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज की,
ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के केस में याद रखिए बच्चों, प्योर जो SiC होता है, प्योर कार्बोरंडम दैट इज सिलिकॉन कार्बाइड इज कलरलेस। ये प्योर अगर है तो इट इज कलरलेस, लेकिन जो कमर्शियल सैंपल्स होते हैं इंडस्ट्री में जो यूज होते हैं कमर्शियल सैंपल्स, उसके अलग अलग कलर हो सकते हैं। कमर्शियल सैंपल जनरली हैव आइदर येलो कलर और ब्लू कलर भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी, कोई भी कलर का हो सकता है, बट जनरली प्योर अगर सिलिकॉन कार्बाइड कलर पूछ ले बच्चों, इट इज गोइंग टू बी कलरलेस। ठीक है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इट इज वेरी हार्ड, मैंने आपको पहले भी बता दिया, इट इज वेरी हार्ड, बट लेस देन व्हाट, डायमंड, डायमंड से कम हार्ड है। और अगर आपको मैं वापस से हार्डनेस ऑर्डर बता दूं, जो मैंने ऑलरेडी बताया था पहले, लेकिन फिर भी चलो एक बार वापस याद कर ले, हार्डनेस ऑर्डर क्या था, याद है किसी को, भूल गए, नहीं ना, तो चलो स्टार्ट करें। बोरॉन नाइट्राइड सबसे ज्यादा हार्ड था, बोरॉन नाइट्राइड के बाद सेकेंड नंबर पे कौन आया था, डायमंड आया था, डायमंड के बाद बोरॉन कार्बाइड था, ये पढ़ाया था मैंने आपको, बोरॉन कार्बाइड के बाद आता है सिलिकॉन कार्बाइड, तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो ये याद भी रखना है, आगे भी कहीं ना कहीं बेटा पूछा ही जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करें। इट इज केमिकली इनर्ट, मैंने आपको पहले बताया था, बिकॉज जब हम लोग ने कार्बाइड्स पढ़ा था उसमें हमने बोला टेक्निकली दीज आर इनर्ट सॉलिड्स, क्यों, बिकॉज इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, दे आर वेरी हार्ड, तो केमिकल रिएक्शन बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट सब रिएजेंट के साथ में इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है। बट हाँ, अगर आप उसको फ्यूज NaOH दैट इज फ्यूज कॉस्टिक सोडा उसके साथ हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ Na सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में अगर फ्यूज NaOH के साथ इसका हीट करोगे तो ये डिजोल्व हो जाएगा। सो जनरली केमिकली और इनर्ट होता है, इट इज केमिकली इनर्ट एंड शोज नो रिएक्शन विथ मोस्ट ऑफ द रिएजेंट, ऑलमोस्ट ऑल रिएजेंट्स एक्सेप्ट फ्यूज्ड NaOH। तो इसका रिएक्शन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये की रिएक्शन है, तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको देखेंगे और आपको बोलेंगे क्वेश्चन में ऐसा, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सिलिकॉन कार्बाइड रिएक्ट्स, तो अभी यहाँ पे आपको NaOH दे देंगे, H2SO4 सपोर्ट दे देंगे और भी दो कंपाउंड दे देंगे, तो आपको अगर ये याद है तो ही आप टिक कर पाओगे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड का रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, चलो मैं यहाँ पे एरो पे लिख देता हूँ, एक ही हो जाएगा, NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ये NaOH जो हुआ वो मोल्टन फॉर्म में होना चाहिए, इट शुड बी इन फ्यूज्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमको तीन प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो बनेगा Na2SiO3 प्लस इसके साथ में आपको मिलेगा Na2CO3 भी मिलेगा और साथ में डेफिनेटली क्या बनेगा, वाटर। सो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, सिलिकॉन कार्बाइड ऑन रिएक्शन विद फ्यूज्ड अल्कली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर गिव्स डैश, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द राइट ऑप्शन, तो इट इज गोइंग टू बी Na2SiO3, Na2SiO3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के फॉर्म में मैं वापस बता दूं, सिलिकॉन कार्बाइड ऑन रिएक्शन विद, नोटबुक में भी लिख लेना बाद में, ऑन रिएक्शन विद फ्यूज्ड NaOH and O2 gives क्या प्रोडक्ट बनेगा, Na2SiO3, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सो बेसिकली सिलिकॉन कार्बाइड की अगर हम लोग बात करें कार्बोरंडम की, तो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन पार्ट हो गया, प्रॉपर्टीज वाले पार्ट हो गए, और अभी लास्ट में आते हैं, सॉरी यूजेस की बात करते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि इट इज एन एब्रेसिव मटेरियल, ठीक है ना, दूसरी बात वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, सो इट इज यूज फॉर लाइनिंग्स ऑफ व्हाट, फर्नेसेस के अंदर वाले लाइनिंग को इससे बनाया जाता है, बिकॉज दे कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। लाइनिंग्स का मतलब मैंने आपको बताया था अंदर का कोटिंग होता है बच्चों, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में समझाया। ठीक है, और कहाँ यूज होता है बच्चों ये सिलिकॉन कार्बाइड, और कहाँ यूज होता है ये सिलिकॉन कार्बाइड का, और एक इम्पॉर्टेंट यूज जो है वो है बच्चों यहाँ पे ये शार्पनिंग ऑफ टूल्स के लिए यूज होता है। ठीक है ना, सो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन नाइफ शार्पनर,
ठीक है ना, और मेकिंग ग्राइंडिंग स्टोन्स, मेकिंग ऑफ ग्राइंडिंग स्टोन, ग्राइंडिंग स्टोन सुना होगा, ठीक है, ग्राइंडिंग स्टोन्स। जैसे हम लोग ने, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर देखे हैं, बॉल मिल्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे पल्वराइजेशन ऑफ द ओर, तो उससे क्या होता है, ओर को पाउडर फॉर्म में किया जाता है, तो वहां पे ओर जो है, अगर वो ओर ही हार्ड है, तो उसको पल्वराइज, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो स्टोन, जिससे आप उसको क्या कर रहे हो, पल्वराइज या पाउडर फॉर्म में कर रहे हो, वो भी बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। सो इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग ग्राइंडिंग स्टोन। जैसे चक्की होगा, चक्की आपने देखा होगा गाँव साइड में, वहां पे आटा पीसने का रहता है, उसके अंदर क्या होता है, वो स्टोन्स होते हैं, वो स्टोन्स तो जनरली नॉर्मल, जो नॉर्मल स्टोन होता है वही होता है, बट वहाँ पे आप ग्राइंडिंग स्टोन के लिए इसको भी यूज कर सकते हैं, इट इज वेरी वेरी हार्ड। तो जब इंडस्ट्री में पाउडर एकदम फाइन पाउडर के फॉर्म में चाहिए, तो ग्राइंडिंग स्टोन्स किससे बन सकते हैं, इससे भी बन सकते हैं। तो सिलिकॉन कार्बाइड स्टूडेंट्स एज सच देखेंगे तो ज्यादा बड़ा नहीं था, बट एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में कुछ भी कभी भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, इसमें कहीं पे भी किसी को भी हल्के में मत लेना, बिकॉज ये देखो ये एक क्वेश्चन ही बन गया। इमेजिन करो अगर आपने समझो ये पार्ट स्किप किया है, और समझो यही क्वेश्चन आ गया, तो पूरा आपका ग्रुप नंबर 14 पढ़ के कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन बी ब्लॉक में से आएगा तो ज्यादा ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन, या इतने क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस में, नीट में तो 3 क्वेश्चन तो आप मान के चलो, अगर हम लोग उसको एनओसीबी के साथ कंबाइन कर दे, तो पूरा 2 चैप्टर्स का मिला के कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन हो जाते हैं 15 में से, इनऑर्गेनिक का पार्ट करें तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक चीज बच्चों, और एक बार वापस बोल दूं, अगर आपको पी ब्लॉक पढ़ना है तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी बात है, कि आप ये सोचोगे कि मैं लास्ट में पढ़ लूंगा, नोट्स कंप्लीट कर देता हूँ, नहीं, आप कम से कम उसको 8 से 10 दिन के टाइम पीरियड में, स्पेशली पी ब्लॉक के लिए टाइम निकालिए, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टूडेंट को पूछोगे जिन्होंने अच्छे स्कोर मार्क्स किए हैं, उनको पूछो आप, ठीक है, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में होगा, तो वो डेफिनेटली आपको यही बोलेंगे कि पी ब्लॉक अगर पढ़ना है तो रेगुलर टाइम पे रिवाइज करोगे तो ही होगा। तो केमिस्ट्री में सर्टन चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप टाइम टाइम पे अगर रिवाइज नहीं करोगे तो वो आपके लिए सरदर्द हो जाएगा कुछ, ठीक है। तो ये एक एक चीज में, पहली बात तो ऐसे लिखा ही नहीं जाता है बराबर बहुत बार, कि एक एक चीज बराबर से, जैसे बच्चों को नोट्स ही होता है, नहीं पढ़ने का एक रीजन होता है कि नोट्स परफेक्ट नहीं होते, नोट्स में समझ में नहीं आता, यहाँ पे तो दोनों चीजें हो रही है बच्चों, नोट्स की एक एक चीज समझ में भी आ रही है, और मैं आपको डिटेल में हर एक नोट्स भी दे रहा हूँ। तो आपको खाली क्या करना है, जो भी बोर्ड पे लिखा है उसको अच्छे से फोटो लेके आपको बुक में लिखना है, प्रेजेंटेशन के साथ लिखना है, ताकि खुद आप जब पढ़ने बैठो तो आपको भी अच्छा लगे। हर चैप्टर के एंड में मैं आपको क्वेश्चन आंसर, जो ये जो एमसीक्यू है, वो पीडीएफ के फॉर्म में दे ही रहा हूँ, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और आपने देखा होगा इनऑर्गेनिक में सॉल्विंग जो है, मुझे तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आते हैं कि सर हमने 1 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन कर लिए, कोई बोलता है मैंने 175 कर लिए, तो वो होना ही है, बिकॉज इसमें खाली टिक मार्क करना होता है बच्चों, ये फिजिकल जैसा नहीं है कि जिसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। फिजिकल में अगर हम लोग 1 घंटे में 50 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है, बट इनऑर्गेनिक में डेफिनेटली, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डेफिनेटली आप लोग 1 घंटे में 100 के ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स एक बार आप इसका फोटो लो, फिर मैं आपको सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड दैट इज SiCl4 के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट्स, सो द सेकेंड कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन इज SiCl4। एज सच अगर हम लोग SiCl4 की बात करें तो इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इसका जो हाइड्रोलिसिस है वो बहुत बार पूछा जाता है, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, SiCl4 इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, पहला पॉइंट, विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जैसे CH4 का होता है, CCl4 का होता है, वैसे SiCl4 होता है, ठीक है। अभी अगर हम लोग बात करें इसके प्रिपरेशन की, तो एज सच इसका प्रिपरेशन कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, बट हमको पढ़ना है तो हम देख लेते हैं। अगर आप सिलिकॉन को हीट करते हो क्लोरीन के साथ 2 मोल्स, तो इट विल गिव यू SiCl4, ये हो जाएगा आपका SiCl4, ठीक है। अगर हम लोग इसके बाद बात करें इसके प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज जो है इसका, जो फर्स्ट पॉइंट है वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, कि इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस होता है, SiCl4 कैन बी हाइड्रोलाइज, यही बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, याद रखना, और कुछ इसका यूजेस वो सब हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है ना, क्योंकि ये एक बहुत बार मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में देखा है, SiCl4 का हाइड्रोलिसिस होता है बट CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, नोट, ऐसा एक नोट ही है, CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज,
इसके जो नीचे वाला एलिमेंट है उसका जो टेट्राक्लोराइड है वो हाइड्रोलाइज होता है, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, बट एस आई सी एल फोर कैन बी हाइड्रोलाइज। ऐसा क्यों? इसको बोर्ड वाले स्टूडेंट्स तो बच्चों इसको गिव रीजन के फॉर्म में बता सकते हैं, बट एंट्रेंस वाले स्टूडेंट में आपको विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, तो उसमें एक ऑप्शन हो जाएगा CCl4। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसका रीजन हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें CCl4 की, तो इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, अभी मैं प्लेनर बना रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो ये सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन है, कार्बन है, और कार्बन बिलोंग्स टू विच पीरियड? सेकेंड पीरियड। अगर ये सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है तो इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है क्या? नहीं है, नो वेकेंट डी ऑर्बिटल। अगर इसके पास में डी ऑर्बिटल नहीं है तो क्या ये अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अगर अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं करेगा तो वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं हो जाएगा इसका। वाटर का जो लोन पेयर है वो इसके कौन से ऑर्बिटल में जाएगा? जा ही नहीं पाएगा, जा ही नहीं पाएगा, राइट। तो अगर ये जा ही नहीं पाएगा तो देयरफॉर CCl4 कैन और कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। बट इन केस ऑफ सिलिकॉन, अगर यहाँ पे सिलिकॉन होता तो ये पॉसिबिलिटी होती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन जो है उस थर्ड पीरियड से उसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो बच्चों अगर कभी पूछ ले कि बताओ SiCl4 का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बताओ, तो मैंने आपको बोला ही है हाइड्रोलिसिस मतलब बॉन्ड को ब्रेक करते जाना और कुछ करना नहीं आपको, ठीक है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ हाइड्रोजन, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ क्या आएगा? OH आ जाएगा। तो यहाँ पे SiOH 4 टाइम्स हो जाएगा, प्लस हाउ मेनी HCl? 4HCl हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसका मैकेनिज्म लिखना चाहते हो तो मैकेनिज्म कैसे होगा वो देख लेते हैं। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, करेक्ट। एक स्टेप बताता हूँ, फिर बाद में वही 3 बार और रिपीट करना, और कुछ है नहीं। ये वाटर है, इसके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है, यहाँ पे नहीं था। ये अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता, कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता, जबकि मैंने आपको बताया था कि इनका जो मैक्सिमम कोवैलेंस होता है कार्बन का वो कितना होता है? 4 होता है, बट इसका मैक्सिमम कोवैलेंस 6 होता है। तो यहाँ पे ये इसके साथ में बॉन्ड बना सकता है, और अगर ये बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? SiCl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी Cl, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, यहाँ पे O, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H। इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ से HCl एलिमिनेट हो जाएगा, और जैसे HCl एलिमिनेट हो जाएगा बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? सिलिकॉन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, और यहाँ पे OH हो जाएगा। अभी एक क्लोरीन हटा के मैंने OH लाया, अभी ये सेम प्रोसेस आपको कितनी बार और करना है? 3 बार और वाटर ऐड करना है। 3 बार और वाटर ऐड करोगे तो 3 बार और HCl एलिमिनेट हो जाएगा, और 3 बार और HCl एलिमिनेट होगा तो टोटल कितना HCl एलिमिनेट हुआ? एक यहाँ से और 3 यहाँ से, तो टोटल कितने? 4 HCl एलिमिनेट हो गए। और इस सिलिकॉन के ऊपर एक OH है, इस Cl की जगह पे भी OH, इधर भी OH आ जाएगा, इधर भी OH आ जाएगा, तो सिलिकॉन के ऊपर कितने OH हो जाएंगे? 4 OH हो जाएंगे। सो दिस इज द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? किसका ये हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट? सिलिकॉन का है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का। इसको बहुत बार ऑप्शन में ऐसा भी लिखा हुआ दिख सकता है, H4SiO4, ये भी आप टिक कर सकते हो, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। इसके ऊपर ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, मैंने सिर्फ ये एक्चुअली सिखाने के लिए आपको बताया था कि CCl4 का हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होता है, यही इसका है। बहुत सारे नोट्स में और रेफरेंस बुक्स में तो बेटा SiCl4 दिया ही नहीं है, बट मैंने फिर भी इसको एक छोटा सा टॉपिक बना के आपको कवर करा दिया। तो अभी हम लोग इसके बाद थर्ड कंपाउंड जो पढ़ेंगे वो होगा सिलिकॉन्स, वो थोड़ा सा बड़ा है, इंपॉर्टेंट भी है, तो आप लोग इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ाता हूँ। ओके स्टूडेंट, सो द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन इज सिलिकॉन्स। ना इसका स्पेलिंग जरा ध्यान से देखिए, दिस इज सिलिकॉन, सिलिकॉन नहीं बोला, यहाँ पे ई ए है मैंने डाला। यहाँ पे सिलिकॉन मतलब ऐसा ही हो जाता, यहाँ पे सिलिकॉन है, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसलिए मैं इसको बेटा सिलिकॉन्स लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सिलिकॉन्स होते क्या है? सिलिकॉन्स बच्चों ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड है, इसमें सिलिकॉन और कार्बन का एक डायरेक्ट बॉन्ड होता है। तो कार्बन मतलब ऑर्गेनिक पार्ट हो गया, सिलिकॉन मतलब तो सिलिकॉन है ही है, तो जब कार्बन और सिलिकॉन का बॉन्ड डायरेक्ट होगा तो उसको ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड बोलेंगे। इसमें R2SiO एक रिपीटिंग यूनिट होता है,
और इसके अंदर SiO SiO लीकेज बार बार आता है. सो बेसिकली दे आर ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स हैविंग द रिपीटिंग यूनिट R2SiO एंड दे आर लिंक टुगेदर बाय SiO SiO लिंकेज. ठीक है ना, इसमें अगर आप R की बात करो तो ये अल्काइल भी हो सकता है और अराइल भी हो सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, मैं आगे आपको बताऊंगा इनके यूजेस. पहले हम लोग इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं. सो सिलिकॉन्स आर सिंथेटिक, दे आर सिंथेटिक ऑर्गेनो, मतलब इसमें कार्बन है, ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स हैविंग R2SiO एज द रिपीटिंग यूनिट. रिपीटिंग यूनिट्स कंटेनिंग SiO SiO लिंकेज, कंटेनिंग SiO SiO लिंकेज. तो ये बच्चों इंफॉर्मेशन याद रखना है. इनका जो जनरल फॉर्मूला इज R2SiO n टाइम्स हो जाएगा. यहां पे जो R है इट कैन बी एन अल्काइल और अराइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और अराइल ग्रुप भी हो सकता है. ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, सिलिकॉन्स के बारे में. अगर हम लोग बात करें सिलिकॉन्स के प्रिपेरेशन की तो वो क्लोरोसिलेन से बनाए जाते हैं. तो मैं आपको यहाँ पे प्रिपरेशन का मेथड बताता हूँ, ध्यान से सुनो. सिलिकॉन्स आर प्रिपेयर्ड बाय, मैं पूरा रिएक्शन के साथ समझाऊंगा, पहले लिख देता हूँ यहाँ पे. सिलिकॉन्स आर प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, एक एक स्टेप समझाऊंगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोसिलेंस, क्लोरोसिलेंस एंड देन सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट क्या इंटरमोलिकुलर, देन सब्सिक्वेंट इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, सब्सिक्वेंट इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन. अभी ये है क्या, मैं इसको आप डिटेल में समझाता हूँ. पहले एक क्लोरोसिलेंस क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है ना. फिर ये पूरा स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है वहां पे डिटेल में समझाऊंगा, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनो. लेट अस हैव प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोसिलेंस, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोसिलेंस. अगर हम लोग बात करें क्लोरोसिलेंस के प्रिपरेशन के बारे में तो मेरे पास दो मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड, आप अल्काइल या फिर अराइल क्लोराइड ले लो, ठीक है ना, और उसका रिएक्शन करो सिलिकॉन के साथ, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल एज अ कैटलिस्ट, करेक्ट. तो यहां पे आपको तीन टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते हैं. यू मे गेट आर एस आई सी एल थ्री, ट्राई क्लोरोसिलेन, फिर डाई क्लोरोसिलेन मिल सकता है या फिर मोनोक्लोरोसिलेन भी मिल सकता है. तो तीन टाइप के क्लोरोसिलेन मिल सकते हैं, ट्राई क्लोरोसिलेन, डाई क्लोरोसिलेन, मोनोक्लोरोसिलेन, ठीक है. यहां पे इसकी जगह पे आप दूसरा एक और तरीका अपना सकते हो. अगर मेरे पास में आर एम जी सी एल है, आर एम जी सी एल है, इसका रिएक्शन करूं समझो मैं किसके साथ, सिलिकॉन के साथ, ठीक है ना. आर एम जी सी एल इसका रिएक्शन कर दो सिलिकॉन के साथ इन 1:1 रेशियो समझो. तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा सोचो, एम जी सी एल टू तो मिलेगा ही मिलेगा, करेक्ट. एम जी सी एल टू के साथ क्या मिलेगा, आर एस आई सी एल, ठीक है ना, आर एस आई सी एल 1:1 के रेशियो में क्या, तो यहाँ पे आर एस आई सी एल हो जाएगा. अभी यहाँ पे डेफिनेटली आपके पास में कितने क्लोरिन होने चाहिए, तीन क्लोरिन होने चाहिए. तो यहाँ पे आप SI की जगह पे क्या ले सकते हो, SiCl4 ले सकते हो. तो अगर SiCl4 लोगे तो यहाँ पे टोटल क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पे एक है ना, तो यहाँ पे तीन हो जाएंगे, टोटल पांच क्लोरीन होने चाहिए. पांच क्लोरीन है, Mg कितना है, पांच क्लोरीन तो है, बराबर है, Mg एक है और R भी
एक ही है, ठीक है ना। तो ये आपका बैलेंस हो गया, तो ये हो गया ट्राइक्लोरोसिलेन हो गया। उसके बाद में अगर अगर हम लोग आर एम जी सी एल लेते हैं विद एस आई सी एल फोर इन 2:1 रेशियो, ये 2:1 का रेशियो लिया अगर हमने, ठीक है ना। तो 2:1 का मतलब यहाँ पे 2 आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रोडक्ट में साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, एम जी सी एल टू तो कन्फर्म बनेगा ही बनेगा, बट कितने मोल्स बनेंगे, 2 मोल्स, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए। अभी आप बताओ आर कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो हो जाएगा आर टू एस आई सी एल टू। जरा बैलेंस करो, देखो क्लोरीन 6 होने चाहिए, यहाँ पे 4 और 2, यहाँ पे क्लोरीन 6 हो गया। तो ये हो गया आपका डाइक्लोरोसिलेन। ये अगर हम लोग 2:1 रेशियो में मिक्स करवाए और रिएक्शन करवाए, तो अगर मेरे पास 3:1 रेशियो है आर एम जी सी एल, जिसको हम लोग ग्रिंडा ग्रेडिंग बोलते हैं, एस आई सी एल फोर 3:1 के रेशियो में मिक्स करें, तो यहाँ पे आपको 3 times एम जी सी एल टू मिलेगा। 3 times क्या मिलेगा, एम जी सी एल टू मिलेगा, और साथ में आपको मिलेगा यहाँ पे आर थ्री एस आई सी एल, ठीक है ना। तो ये हो गया मोनोक्लोरो सिलेन डाइक्लोरो एंड दिस इज ट्राइक्लोरो। अभी ये पूरा मिक्सचर है, ठीक है ना, तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जाता है और फिर उनका फर्दर क्या किया जाता है, हाइड्रोलिसिस। सो दीस सिलेन्स, दीस सिलेन्स आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन followed by subsequent hydrolysis and then finally उसका क्या करेंगे आप, intermolecular dehydration करेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना एक एक करके। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मोनोक्लोरोसिलेन की, मोनोक्लोरोसिलेन से इससे सिलिकॉन कैसे बनाया जाता है वो देखिए। मोनोक्लोरो मतलब ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा मुझे। सो आर थ्री एस आई सी एल, सबसे पहले इसका रिएक्शन करो वाटर के साथ। तो मैंने अभी जस्ट प्रीवियस वाला आपको एस आई सी एल फोर सिखाने का कारण एक ही था बच्चों, ताकि ये वाला पार्ट अभी आपको इजी लगे। यहाँ पे एक सी एल है तो एक ही ओ एच आएगा, ठीक है ना, और माइनस क्या निकल जाएगा, एच सी एल। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आर थ्री एस आई ओ एच, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड बन गया आपका आर थ्री एस आई ओ एच। अगर मैं इस कंपाउंड का रिएक्शन वापस इसी के साथ करवा दूं, ठीक है, इसको मैं उल्टा लिख देता हूं यहाँ पे OH ऐसा वाला, ठीक है ना। तो जैसे मैं इसको हीट करूंगा तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा। कैसे, ध्यान देना जरा, यहां से तो OH और यहां से H एलिमिनेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, आर थ्री एस आई ओ एस आई आर थ्री, ये देख लो हो गया। तो इसके अंदर देखोगे अगर ध्यान से तो एस आई ओ एस आई लिंकेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। सो दिस इज फ्रॉम मोनोक्लोरोसिलेन बच्चों। तो देखो अगर आपको वो स्टेटमेंट अच्छे से समझना है तो देखो अभी यहाँ पे देखना ध्यान से, एक एक चीज समझा रहा हूँ। सिलिकॉन्स आर प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोसिलेन, ये क्लोरोसिलेन था, इसका मैंने रिएक्शन वाटर के साथ किया तो ये हाइड्रोलिसिस हो गया। ये देखो ये हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है, ध्यान से सुनना, prepared by hydrolysis of chlorosilane, okay, then subsequent intermolecular dehydration, inter मतलब between two molecules, so इसके तुरंत बाद मैंने यहाँ पे से क्या निकाला बच्चों, water eliminate कराया कि नहीं कराया, so intermolecular dehydration का था, यही तो है preparation, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, silicon। ये अगर हमने monochlorosilane लिया तो, ठीक है, अगर आपने dichlorosilane लिया, क्लोरोसिलेन ले लिया, बराबर है, तो डाइक्लोरोसिलेन अगर लिया है तो फिर बेटा रिएक्शन कैसे होगी वो देखना पड़ेगा। तो ये पहले लेंगे अपन, तो आर टू एस आई सी एल टू ले लिया। अगर मैं इसका रिएक्शन करूं तो बताओ इसमें कितने क्लोरीन है जो डिस्प्लेस हो सकता है, रिप्लेस हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन में कितने क्लोरीन का कर सकता हूँ बच्चों, 2 क्लोरीन का कर सकता हूँ। तो 2 क्लोरीन का अगर मैं रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ तो यहाँ पे +2H2O लगेगा, और अगर 2H2 लगेगा तो यहाँ पे से -2HCl लिखना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, R2SiOH twice हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, करेक्ट। अभी मैं इसका नेक्स्ट स्टेप में पॉलीमराइजेशन करूंगा तो कैसे होगा जरा देखना। यहाँ पे मैंने OH, चलो मैं आपको पहले इन जनरल रिएक्शन लिख के बताता हूँ।
यहाँ पे अगर मैंने n टाइम्स ये कंपाउंड ले लिया, सिलिकॉन है यहाँ पे, R है यहाँ पे, भी R है यहाँ पे, OH है, करेक्ट। इस कंपाउंड को आप ऐसे लिख सकते हो, टेट्राहेड्रल शेप है, बट मैंने अभी इसको खाली लिखने के लिए ऐसा लिखा है, राइट। हर एक सिलिकॉन इसमें अगर चार बॉन्ड बना रहे सिंगल बॉन्ड, तो वो टेट्राहेड्रल शेप का ही होगा। बट अगर समझो मैं, अगर मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ इसी के मॉलिक्यूल के साथ, और समझो ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स है, एन मॉलिक्यूल्स है, करेक्ट। ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स है, एन मॉलिक्यूल्स है, समझो, ठीक है ना, समझाने के लिए। तो डेफिनेटली क्या होगा बराबर, जरा बताओ जल्दी से, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से एक ओ एच, यहाँ से एक एच, यहाँ से ओ एच, बाजू वाले का एच, बाजू वाले का यहाँ से एच, और यहाँ से, या फिर यहाँ से ओ एच और यहाँ से एच, ये बेटा प्रोसेस चलते रहेगा जब तक आप इसमें ये वाला पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, ये खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलते रहेगा। तो यहां पे मुझे बताओ क्या हो जाएगा, बता, ओ एस आई, यहाँ पे आर आर, यहाँ पे ओ एस आई, यहाँ पे भी आर आर एंड ओ। तो स्टूडेंट ये प्रोसेस चलते रहेगा, डेफिनेटली चलते रहेगा, अगर आप इसमें प्रोवाइड करते जाओगे ये वाला पार्ट, तो ये प्रोसेस कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोग डाइक्लोरोसिलेन का अगर पॉलीमराइजेशन करोगे, तो ये यहाँ पे बेटा वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते जाएंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल अगर एलिमिनेट होते जाएंगे तो ये सिलिकॉन बनते ही जाएगा। बट अगर आप इसको स्टॉप करना चाहो तो क्या करोगे, बराबर है, अगर आप इसको स्टॉप करना चाहो तो क्या करोगे, तो आप इसको स्टॉप कर सकते हो बाय एडिशन ऑफ दिस कंपाउंड। ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं बट आपको बता देता हूं, इस चेन को आप टर्मिनेट कर सकते हो बाय एडिशन ऑफ दिस कंपाउंड। कैसे, आप बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या था, यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है, और यहाँ पे भी R है, और यहाँ पे OH है, ठीक है। तो आप चाहो तो स्टेटमेंट लिख लेना कि दिस चेन कैन बी टर्मिनेटेड बाय एडिशन ऑफ R3SiOH। कैसे, जैसे ये वाला पार्ट इसके सामने आएगा, यहाँ से H या फिर यहाँ से OH, और इसका जो H होगा जो निकल रहा था, राइट, उसके साथ कंबाइन होकर वाटर आ जाएगा, और तीनों साइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो चेन आगे कैसे बढ़ेगा, तो क्या चेन आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे एक नोट लिख रहा हूं, चेन कैन बी टर्मिनेटेड टर्मिनेटेड बाय एडिशन ऑफ R3SiOH। R3SiOH ऐड करते ही ये चेन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स हमने मोनोक्लोरोसिलेन का पढ़ लिया, डाइक्लोरोसिलेन का पढ़ लिया, अभी आ जाएगा ट्राइक्लोरोसिलेन का। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके स्टूडेंट, सो द थर्ड इज ट्राइक्लोरोसिलेन एंड देन द यूजेस एंड द प्रॉपर्टीज। इन केस ऑफ ट्राइक्लोरोसिलेन, इसमें टोटल कितने क्लोरीन होंगे, तीन, सो इट इज आर एस आई सी एल थ्री। तो तीन क्लोरीन का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर दें इसमें, तो विल रिक्वायर 3H2O, सो डेफिनेटली माइनस 3HCl यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, करेक्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, R SiOH थ्राइस हो जाएगा, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर वाइज देखें, मेथड प्रिपरेशन है, तो यहाँ पे हो जाएगा R SiOH OH, यहाँ पे भी OH, प्लस OH सेकेंड मॉलिक्यूल, तीन बार OH है ना, OH यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R। ये प्रोसेस नीचे भी चलेगा पॉलीमरिक फॉर्म में, SiOH OH यहाँ पे भी OH, प्लस यहाँ पे OH Si R, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH, और यहाँ पे भी OH हो जाएगा, बराबर है। और यही प्रोसेस ऊपर भी होगा ऐसे, करेक्ट, मतलब ऐसे चेन के फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ पे भी नीचे भी रिपीट होगा ये। तो अगर ये कंबाइन हो रहा है तो क्या बनेगा, जरा देखते हैं, यहां से OH, यहां से H एलिमिनेट हो गया वाटर, यहां से भी OH, यहां से H, यहां से OH, यहां से H, यहां से OH, और यहां से H, और ऐसे सेम ऊपर वाले साइड में भी, यहां से H, H, नीचे वाले से OH, ऊपर वाले से OH, यहां से H, और यहां से भी H हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पे O आ गया, O, SI,
यहाँ पे आर, ये ओ और इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऊपर वाले के साथ जुड़ा होगा, ऐसे और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे राइट। तो यहाँ पे क्या बचा, ओ बचा यहाँ पे, ऐसा है देख सकते हो आप लोग खुद भी, यहाँ पे आर आ जाएगा। नीचे क्या बचा बच्चों, ओ बचा, और ये कनेक्टेड है नीचे वाले के साथ राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ओ बच गया यहाँ पे, तो ओ फिर यहाँ पे ऐसा है, फिर यहाँ पे आर, यहाँ पे ओ, और ये बॉन्ड हो गया ठीक है ना। ये प्रोसेस नीचे भी चलेगा, ओ ऐसा है आर, यहाँ पे ओ ऐसा है, यहाँ पे ओ, और ऐसा प्रोसेस। सो इसी को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, सिलिकॉन। तो इसके लिए सिलिकॉन में अगर हम लोग बात करें तो इनका एक जनरल फॉर्मूला होगा, बिकॉज सिलिकॉन तो बच्चों अलग अलग हो रहे हैं, जैसे मोनो क्लोरो से बना अलग, डाई क्लोरो से अलग बना, और ट्राई क्लोरो से अलग अलग बन रहा है। तो स्टूडेंट ये प्रोसेस चलते रहेगा, इट विल बी ना पॉलीमरिक फॉर्म। और इसको वापस स्टॉप करना है तो वापस किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, R3 SiOH के साथ, तो वो चेन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा ठीक है ना। सिलिकॉन्स के जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, ये नॉन टॉक्सिक है बच्चों। नॉन टॉक्सिक का मतलब क्या, ये कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं, मतलब अगर इसे हम लोग टच भी करें, इसके अंदर कुछ स्टोर करके भी रखें तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। इट इज स्टोएबल टूवर्ड्स हीट, हीट के टूवर्ड्स बेटा ये क्या है, स्टेबल है। इट इज वाटर रिपेलेंट, और ये इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होती है। जो वाटर रिपेलेंट क्लोथ्स होते हैं, वाटर प्रूफ जो पेपर होते हैं, या फिर वाटर प्रूफ जो कपड़े होते हैं, उनको बनाने में यूज होता है। कैसे बनाते हैं उनको मैं आगे यूज में बताऊंगा। दे आर गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उसके ऊपर एक रबर जैसा कोटिंग होता है, आपने देखा होगा। अगर हम लोग उसको प्रेस करें तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि स्पॉन्जी या रबर है, बट वो रबर नहीं है, वो बेसिकली क्या है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन नहीं, सिलिकॉन है वो। तो या गुड वॉट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, इंसुलेटर होने की वजह से बच्चों क्या होगा, वो आपको वहां पे इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा ताकि इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे कभी। इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, एक एक करके हम लोग डिस्कस करना है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग वाटर प्रूफ क्लोथ्स, वाटर प्रूफ क्लोथ्स बनाने में, वाटर प्रूफ पेपर्स बनाने में, बाय एक्सपोजिंग द वेपर्स ऑफ सिलिकॉन्स टू द पेपर या फिर क्लोथ, बाय एक्सपोजिंग क्लोथ और पेपर टू द वेपर्स ऑफ व्हाट, सिलिकॉन। सो जब सिलिकॉन के वेपर्स क्लोथ के ऊपर हम कर, या फिर कपड़े के ऊपर या फिर पेपर के ऊपर ऐसा प्रोवाइड करेंगे, तो ये सिलिकॉन्स के वेपर जो इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे, तो वो पेपर या वो कपड़ा क्या हो जाएगा, वाटर प्रूफ हो जाएगा ठीक है। सेकेंड जो हम लोग ने अभी पढ़ा, इट इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ठीक है। तो ये सब चीजें मैं लिखूंगा नहीं, ऑलरेडी मैं पहले से लिख के रखूंगा ताकि फिर हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ये सब चीजें इजी भी है और याद भी आराम से हो जाएंगी। इट इज यूज इन मेकिंग वैसलीन, वैसलीन लाइक ग्रीस बनाने में, विच आर यूज इन लुब्रिकेंट इन एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स में एज अ लुब्रिकेंट के तौर पे यूज होता है। उसके बाद में सिलिकॉन रबर्स, ये जो सिलिकॉन रबर्स है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, इंपॉर्टेंट मार्क्स कर रहा हूँ यहाँ पे। सिलिकॉन रबर्स आर यूजफुल एज दे रिटेन देयर इलास्टिसिटी ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। जनरली अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रबर का जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है उसमें चेंज आता है, बट इसमें जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है रबर की, सिलिकॉन के मिक्स करने के बाद उसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आता है टेम्परेचर चेंज करने के बावजूद भी। तो ये हो गया आपका सिलिकॉन का यूजेस, प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन में मैंने थोड़ा डिटेल में समझा, एक एक चीज हमने कवर की। तो आज के लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 5 में, हमने एक तो कार्बोरंडम पढ़ लिया, दैट इज सिलिकॉन कार्बाइड, उसके बाद में हमने SiCl4 पढ़ा, और थर्ड वाला जो था वो सिलिकॉन था स्टूडेंट। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन्स के फर्स्ट 3 कंपाउंड। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिलिकेट्स सिखाने वाला हूँ, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस लेक्चर में सिर्फ आपको सिलिकेट्स ही सिखाऊंगा, सिलिकेट्स के बहुत सारे टाइप के स्ट्रक्चर्स भी हैं, बहुत सारे डायग्राम्स भी मैं बनाने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो बड़ा रहेगा बट एक एक चीज हम लोग कवर करेंगे। तो ये आपको सेम नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में भी सीखने को मिलेगा, ये वाला पार्ट नहीं, सिलिकेट्स का पार्ट। बट वहां पे अगर आप पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, और वहां पे नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द कंसेप्ट ऑफ सिलिकेट, दैट वुड बी द लास्ट लेक्चर फॉर ग्रुप नंबर 14, देन वी विल स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 15, दैट इज नाइट्रोजन और नाइकोजन फैमिलीज ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द कंसेप्ट ऑफ सिलिकेट्स। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।